लॉर्ड मेकाले के जमाने में जब वेद को लेकर के बड़ा तहलका मचा और फ्रेडरिक मैक्समूलर ने लॉर्ड मेकाले के कहने में आ करके वेदों के बारे में एक उन्होंने घोषणा कर दी कि वेद जो है ये ईसा से 1200 साल पहले लिखे गए तो सारी दुनिया में जो है विद्वानों में एकदम समझिए कि एक, एक आंदोलन जैसा मच गया और विशेष करके उन विद्वानों में जो कि इंग्लैंड के नहीं थे क्योंकि इंग्लैंड की मानसिकता भारत के प्रति दूसरी थी वो हमको गुलाम समझते थे लेकिन बाकी जिन लोगों ने करीब डेढ़ सौ की संख्या में जिन विद्वानों ने संस्कृत को पढ़ा था वो सब एकदम उनका खून खौल उठा ये क्या खिलवाड़ खे किया है आपने कि वेद जैसे वेदों के बारे में आपने ये बात कह दी बहरहाल वो बड़ी लंबी कहानी है लेकिन उस कहानी का अंत यही है कि अठारह में फ्रांस की एक सभा में फ्रेडरिक मैक्समूलर को सारे विद्वानों के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करना पड़ा और अपने मत को वापस लेना पड़ा और उन्होंने कहा कि हमने केवल एक अटकलबाजी एक संभावना हमने व्यक्त किया था आज मैं घोषित करना चाहता हूं कि वेदों की तिथि निश्चित करने का कोई साधन न मनुष्य के पास है और न भविष्य में होगा यहां तक झगड़ा आ गया उन्नीसवीं शताब्दी में लेकिन उसके बाद ही बाल गंगाधर तिलक ने जब वो मांडले के जेल में उनको निर्वासित किया गया तो वो बहुत उच्च कोट के विद्वान थे बहुत बड़े ज्योतिषी थे और उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और अपने द ओरियन नामक ग्रंथ में उन्होंने एक जो वसंत संपात का सिद्धांत दिया वो एक अकाट्य सिद्धांत है और उस सिद्धांत के बाद जो है आज तक फिर कोई वेद के बारे में कोई आशंका नहीं करता है वसंत संपात के सिद्धांत के आधार पर तिलक जी ने यह घोषणा की कि मैत्रायणी संहिता के मंत्रों में जो वर्णन आया हुआ है उस वर्णन से ये सिद्ध होता है कि जब सूर्य के चारों ओर वार्षिक गति में संक्रमण करने वाली पृथ्वी जब पुनर्वसु नक्षत्र के क्षेत्र में प्रवेश करती थी सूर्य के साथ संपर्क उसका बनता था उस समय बसंत ऋतु प्रारंभ हुआ करती थी ये मैत्राणी संहिता में आया हुआ है जबकि आज की स्थिति ये हो गई है कि अपनी वार्षिक गति में पृथ्वी जब भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करती है तब सूर्य के साथ उसकी संक्रांति जब होती है तब वसंत प्रारंभ होती है, होता है इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा भौगोलिक अंतर दिखाई पड़ता है खगोलीय अंतर दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी की जो गति उस समय थी पुनर्वसु नक्षत्र के क्षेत्र में और जो आज है दोनों गतियों में करीब साढ़े चार नक्षत्र का अंतर है और जब पृथ्वी अपनी गति में एक नक्षत्र पूरा पीछे खिसक जाए तो इस घटना में 960 वर्ष का समय लगता है चूंकि साढ़े चार नक्षत्र पीछे खिसक करके वो बसंत ऋतु करा रही है इसलिए वो जो वर्णन है मैत्रायणी संहिता का वो आज से साढ़े चार गुणे नौ सौ साठ साल पहले का रहा होगा और मेरा ये कहना है कि वो समय आज से लगभग पैंसठ सौ साल पहले का था और चूंकि पुनर्वसु नक्षत्र का जो देवता है वो अदिति माना गया माना गया है इसलिए हम उसको अदिति एरा कहेंगे संपूर्ण विश्व संस्कृति का जो कालखंड आज मनुष्य के पास है मनुष्य माने इंडियंस हमारे पास जो प्रामाणिक दस्तावेज है कि कौन कालखंड सबसे प्राचीन था वो केवल भारतीयों को ज्ञात है और उसको हम अदिति एरा कहेंगे यही संसार का प्राचीनतम युग है और ये युग भारत में था और जब उस युग में मैत्रायणी संहिता के मंत्र लिखे जा रहे थे तो फिर वेद का और प्राचीन रूप कितना रहा होगा यह कहना बड़ा मुश्किल है